हेलो स्टूडेंट्स, सूरदास के पद में अब हम नेक्स्ट पद पढ़ेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी। इसमें गोपियां निर्गुण ब्रह्मा का परिचय पूछकर, उनके परिवार वालों के बारे में पूछकर और उसकी उद्धव की हंसी उड़ाते हुए कहती है कि निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव, ये तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्मा है जिसका तुम ये योग संदेश लेकर आए हो, या किस देश का वासी है, किस देश में रहने वाला है। मधुकर, मधुकर यहाँ पर कृष्ण का प्रतीक है। तो है मधुकर, हंसी समुझाए सो ते बूझती साँच न हंसी। बूझती है न पूछती है। तो गोपिया कहती है कि हे मधुकर, हमें अच्छी तरह समझा कर कहो कि तुम्हारा जो ये निर्गुण ब्रह्मा है ये कहाँ का है। हमें इसके लिए तुम शपथ देती है, मतलब हम तुम्हें कसम देती है, सो देना है कसम देती है, हम ये बात तुमसे सत्य मन से पूछ रही है, तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रही है। कोहे जनक, कौन इसका पिता है, मतलब इस निर्गुण ब्रह्मा का, जो तुम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने के लिए हमें कह रहे हो ना, इसका पिता कौन है। जननी को कहिया, किसको इसकी माता कहते हैं। कौन नारी, कौन इसकी पत्नी है। को दासी, और कौन इसकी दासी है। कैसो बरन भैसे, हे उद्धव, उस निर्गुण ब्रह्मा का कैसा रंग है, कैसी उसकी वेशभूषा है। कैसो के ही रस में अभिलाषी, और उस निर्गुण ब्रह्मा को किस रस में रुचि है। अभिलाषी है ना रुचि, उस निर्गुण ब्रह्मा को किस रस में रुचि है। अगर तुम मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देने दे दो और कोई असत्य बात कहोगे तो अपने किए का फल भुगतोगे। पहले तो तुम मुझे इन सब के बारे में बता दो। ये यहाँ पे प्रश्न लगा हुआ है तो प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। पावेगो पुनी कियो आपनो जोरे, कहेगो गासी। गासी यानी झूठ। अगर तुमने हमसे झूठ बोला या कोई असत्य बात कही या कोई गलत बताया तो तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन हवे रहो ठग्यो, गोपियों की इस प्रकार की बात सुनकर, हवे यानी होकर, ठग्यो यानी चकित, ऐसी बात सुनकर उद्धव एकदम आश्चर्यचकित होकर ठगासा रह गया, और उसे ऐसा लगा कि सुर सबे मति नासी, मति यानी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसे ऐसा लगा कि इन समस्त गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई है, मतलब निर्गुण ब्रह्मा जो है वो साधना सांसारिक मोह माया से परे हैं, इनका कोई रूप रंग नहीं है और ना ही माता पिता है, तो दासी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, मैं इन सबको कहाँ से इनका परिचय दूँ। तो गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर, इस प्रकार के प्रश्न सुनकर उद्धव एकदम मौन और आश्चर्यचकित हो गया है। इसमें किसी विशेष अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है और अनुप्रास अलंकार का तो प्रयोग हुआ ही है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आप नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें इसका प्रसंग देखिए पहले नेक्स्ट वाले का। इसमें गोपियां जो उनकी विरह व्यथा का वर्णन कर रही है, कृष्ण के बिना जो वो बेचैन हो रही है, उनकी जो मनोदशा है उसका वर्णन करते हुए वो कह रही है। यहाँ पर वो स्वयं याद कर रही है उन चीजों को, अपनी व्यथा को प्रकट कर रही है। बिन गोपाल बेरीन भय कुंज, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के बिना, मतलब वह श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहती है कि कृष्ण के बिना ये जितने भी वन उपवन और ये कुंजे यानी वृक्षों के समूह ये सब बेकार हो गए, मतलब बेरीन यानी उनके दुश्मन हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, लता यानी लताएं बेले, जब श्री कृष्ण उनके साथ थे तब ये जो बेल ये लताएं ये उनको बहुत ही शीतल यानी आनंद रस युक्त लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पूंजी, और अब ये
भयंकर ज्वाला के समान जला देने वाली लगने लग गई है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। ये जो यमुना का जो स्वच्छंद जल है, कोकिल की मधुर स्वर लहरी, कमलों का प्रफुल्ल विकास मतलब इन खिलना, और भौरों की जो ये गुंजार है, आज ये सब व्यर्थ लगने लग गई है। ये यमुना का कलकल करता हुआ जल, ये कोयल की मीठी आवाज, ये फूलों का खिलना, ये भौरों का गुनगुन करना, ये जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे ये सब हमें आनंद प्रदान करते थे, लेकिन आज श्री कृष्ण के बिना ये हमें सब व्यर्थ लग रहे हैं, मतलब हमारा जीवन कष्टमय हो गया है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सूत किरण भानु भई भूंजे। पवन वायु पानी जल घनसार कपूर संजीवनी अमृतमयी दधि सूत चंद्रमा किरण भानु सूर्य भई यानी भूंजे भई यानी बनकर भूंजे यानी जला रही है। ये सारी चीजें ये सारी वस्तुएं श्री कृष्ण के बिना उन्हें जला रही है यानी उन्हें अत्यधिक कष्ट पहुंचा रही है। ये सारी चीजें हमेशा उन्हें शीतलता प्रदान करती थी जब श्री कृष्ण उनके साथ थे, पर आज उनके बिना ये सब उन्हें जला रही है। ए उदो कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लूंजे। लूंजे यानी विकलांग, करण कदन यानी मार कर। तो वे कहती है कि हे उद्धव कहियो यानी कहना, माधव यानी नंदलाल से, हे उद्धव नंदलाल से कहना कि उनके विरह ने हमें मार कर विकलांग बना दिया है मतलब अपाहिज बना दिया है। सुरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन जो गूंजे। सुरदास जी कहते हैं कि गोपियां ने कहा कि कृष्ण की बाट जो कर मैंने इंतजार कर 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 मार्ग यानी उनका रास्ता देख देख कर, जोवत यानी देखना, देखते हुए हमारी जो ये आंखें हैं गुंजा के समान लाल रंग की हो गई है, अर्थात उनके वियोग में हम जी कर भी मरे हुए के समान है। बरन यानी रंग और गूंजे, गूंजा एक रत्ती है जिससे पहले सोना और रत्न तोले जाते थे, इसका रंग लाल और रूप आंख जैसा होता है। इस कारण गोपियां कह रही है कि हमारी जो ये आंखें हैं उनके वियोग में या उनका रास्ता देख देख कर गूंजे के समान हो गई है, एकदम लाल लाल बड़ी बड़ी। ये आपके पद तो समाप्त हो गए और अब आपको क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करना है। वैसे सभी पदों की अगर आप व्याख्या कर लेते हैं व्यवस्थित तो क्वेश्चन आंसर स्वयं अपने आप ही हो जाएंगे। और ये उद्धव ने गोपियों से कौन कौन से प्रश्न किए, ये निर्गुण कौन देश को वासी है, इसमें मिल जाएगा आपको। हारी पक्षी की क्या विशेषता है, जब मैंने आपको पहला पद समझाया था तो उसमें बताया था कि हारी लेक तोते के समान हरे रंग का पक्षी है जो हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी दबाए रहता है, वह किसी भी परिस्थिति में उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। और ये लघु का गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा था, तो कड़वी ककड़ी के समान। उस पूरी बात को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। मानहु नील के बाट इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा वेरिफिकेशन करके लिखनी है। और उसके बाद ये सुरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति भावना का वर्णन करना है, मतलब इसमें किस प्रकार की प्रेम भक्ति है गोपियों की, उसका आपको पूरा वर्णन ढंग से करना है। मतलब कि जैसे गोपियों का भावनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है, उनके प्रेम प्रसंग और भक्ति भावना से ओत प्रोत है सुरदास के पद, और अविचल निश्चल और प्रेम की प्रतिक्रिया, और ये सब कुछ मतलब उद्धव का निर्गुण संदेश लाना, उससे जो उनको ठेस पहुंची है, ये सारी बातें इनकी
प्रेम भक्ति भावना में आ जाएगी। और व्याख्या तो अब अगर आप सारे पदों की करते हैं तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। धन्यवाद, आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ है।